सभी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। मुझे तुम्हारी माँ को ही देख लो। हम लोग नियमित रूप से योगा करते हैं, इसलिए अब तक तंदुरुस्त हैं। और आज तक डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। मैं बहुत थका हरा घर आया हूँ, मुझे थोड़ा शांति चाहिए। क्या मैं थकी नहीं हूँ? मैं भी ऑफिस जाती हूँ सुमित, लेकिन तुम्हारी तरह मैं ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताती। मीनू, मीनू। दीदी। क्या दीदी? जरा मेरी गर्दन में मसाज कर देना। आ, जरा धीरे धीरे दे। क्या हुआ अर्चना? अरे क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? अर्चना, क्या हुआ अर्चना? दीदी को दर्द हो रहा है। मीनू, तू अब जा। ठीक है दीदी। ले ले। पर कैसे दर? अर्चना कुछ बताती क्यों नहीं? मेरी गर्दन का बहुत खराब हालत है सुमित, बहुत ज्यादा पेन हो रही है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने स्पॉन्डिलाइटिस बताया। ये पेन तुम्हें कितने दिनों से हो रहा है? बहुत दिनों से। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें मिलूंगी तभी तो बताऊंगी ना। तुम ठीक ही कह रही हो अर्चना, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को संडे के दिन ही मिल पाते हैं। I'm sorry अर्चना, मुझे तुम्हारा और ख्याल रखना चाहिए था। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? अभी ऐसे करो। कैसे? ऐसे। स्पॉन्डिलाइटिस बड़ी ही डेंजरस बीमारी है ये। अरे जितना भी कोशिश क्यों ना करे, इसका दर्द कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए पहले दिन से सावधान रहना पड़ेगा। मेरा तो कहना यह है कि फिजियोथेरेपी अर्चना के लिए बेस्ट रहेगा। फिजियोथेरेपी नहीं, फिजियोथेरेपी नहीं,
फिजियोथेरेपी से अच्छा है हम योगा करें। योगा? वो क्यों? अरे योगा करने से तन मन तंदुरुस्त रहता है, मन में अच्छा विचार आने लगती है। तुझे योगा के बारे में इतना कैसे पता चला? अरे योगा आजकल हर कोई करता है। मेरे बेटे के स्कूल में आजकल नियमित रूप से योगा सिखाया जाता है। योगा से स्ट्रेस, गैस, कोई बीमारी है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा? योगा से सब ठीक हो सकता है? हाँ। अरे मेरा पिताजी को डायबिटीज हुआ है, उन्होंने नियमित रूप से अभी योगा शुरू कर दिए है और उनका जो डायबिटीज है सब कंट्रोल्ड। मेरे माँ बाबा भी योगा करते हैं। मैं सोचा था कि उनको शायद फिटनेस की जरूरत है इसीलिए शौक की वजह से वो योगा करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि योगा में कितने सारे गुण होते हैं। अर्चना, तुमने दवाई ली? हाँ? क्या हुआ? सुमित, मैं सोच रही थी कि मैं भी योगा करना शुरू कर दूं। जो सब चीज हमने कभी शास्त्र में पाए थे वो सब चीज फिर वापस आ रही है, जैसे कि हमारी ऑफिस में योगा दिवस पालन कर रही है। योग दिवस? दो, मैं रख देता हूँ। योग दिवस के बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आजकल तो टीवी में ये सब के बारे में दिखाते रहते हैं। अरे हमारी बॉस ने तो अनाउंस की है कि ऑफिस में योग दिवस का पालन करेंगे ताकि सभी एम्प्लॉयियों का बीमारियां ठीक हो सके, और योगासन तो कभी भी कर सकते हैं, और योगा तो हम जब कभी भी कर सकते हैं, इसलिए एक योगा गुरु को बुलाकर हमारे सारे एम्प्लॉयज को योगासन सिखाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इससे क्या कोई फायदा होगा? मैंने भी पहले वैसे ही सोचा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ था हमारी पूरी जिंदगी तो ऑफिस आने जाने में ही चली जाती है। जिम जाना या एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम ही कहाँ होता है, और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, वो सब तो होते ही रहते हैं। अगर हम अपने काम के बीच में थोड़ा समय निकलकर ऑफिस में ही योगासन कर लेते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सुमित, और तो और योगासन करने से मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। अच्छा, तब तो हमारे रिंकी को ये सब करना ही चाहिए। सुमित, रिंकी तुमसे एक कदम आगे है, वो तो हर रोज उठकर अपने दादा और दादी के साथ योगासन करते हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हर सुबह उठकर अपने पिताजी के साथ योगासन करना है, ताकि वो भी हमें गलत न समझे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
आप मम्मा को क्या कर रही हो? एक्सरसाइज करवा रहा हूँ बेटा। ए रिंकी, बात मत करो, देख रही हो ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ओके मम्मा। मम्मा, ऐसा ही एक एक्सरसाइज मुझे दादू ने भी सिखाया था, मैं करके दिखाओ। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तुम रहने दो बेटा। रिंकी, तुम्हारी मामा की जो बीमारी है वो मेरे एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकती है। योगा तो बाद में भी कर सकती है, लेकिन अभी जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें ये करना जरूरी है। ठीक है अंकल, जब मामा ठीक हो जाएंगी तब मैं उन्हें योगा सिखाऊंगी। अच्छा, अब मेरी रिंकी बेटी मेरी योगा टीचर बनेगी? हाँ, मैंने दादी दादू से योगा सीख लिया है और मैंने मीनू दीदी को भी सिखा दिया है। अर्चना जी, अब जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए कोई भी योगा मत कीजिएगा, जिससे आपकी स्पॉन्डिलाइटिस और भी बढ़ सकती है। अच्छा यही होगा, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह मशवरा कर ले, और मैं तो आपके एक्सरसाइज में हेल्प करने आता ही रहूंगा। जरूर, अभी आप अपने से कीजिए। हल्का, हाँ इस तरफ, ठीक है, थोड़ा ऊपर कीजिए, फिर आगे झुकिए। पीछे, जी बिल्कुल, आप वैसे ही करते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जरूर। सुमित, मैंने आपकी हुनर की कभी कदर नहीं की। मैं योगा के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब? अरे वो बात तो मैं भूल ही गया था। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे हर बातों को तुम्हें मानना पड़ेगा। देखो, मुझे जो सही लगा मैं तुम्हें कह दिया, इसमें गलत समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस देखने का नजरिया अलग है। देखो, तुम लोग नई पीढ़ी के लोगों का विचार हम लोगों से इतने मिलते जुलते नहीं है। कुछ चीजों के लिए उम्र मायने नहीं रखती। ये योगा सबके लिए जरूरी है। बाबा, मैं भी आपके साथ सुबह सुबह योगा करना शुरू करना चाहता हूँ। योगा सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं, अपने मन को भी शांत रखता है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। अच्छा बेटा, ये बात तुमको किसने सिखाया? देर आये पर दुरुस्त आये। हाँ माँ, It is better to be late than never. तुमने जो खड़ा अपनाया मंजिल नहीं दिखती, जहाँ जिंदगी का फूल खिलती है अभी राह जो तुमने चुन लिया है, नया मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है। हर दिशा में अंधेरा है, राह
आओ बेटा। हाँ बाबा। तुम्हारा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तुम्हें पवन मुक्त आसन सिखाता हूँ, इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। ये आसन एक बार करने से दोबारा करने का मन करेगा, मैं करके दिखाता हूँ। सरल और आसान। ठीक है, ये पाओ। अब इस पाओ को। पाव को ऊपर करो एक बार फिर। दोनों को भी कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है ना? हाँ ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। हाँ जरूर। कैसा लगा, आराम मिला? हाँ, थोड़ा बहुत लगा। तुम्हारे ये समस्या भी ठीक होगा, चिंता मत करो। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कैसा लग रहा है? अभी बहुत आराम मिल रही है। थैंक गॉड, आप जो रोज रोज आकर मुझे एक्सरसाइज करवा रही है। ये तो मेरा फर्ज है। नहीं नहीं, आपको शायद पता नहीं, मुझे चलने फिरने में बहुत ही दर्द हो रही है। इस दर्द की वजह से मैं तो कोई भी काम अच्छी तरह कर ही नहीं पा रही हूँ। स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होने का उपाय है, और वो है नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। मुझे ऑफिस के काम और घर के काम के कारण ही शायद ये प्रॉब्लम हुई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बस मुझे इस दर्द से छुटकारा मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जैसे आपको दिखाया है आप वैसे ही करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। जरूर। ठीक है। हाँ। मैं अभी चलता हूँ, आप यही एक्सरसाइज करते रहिए। ठीक है। खाती
सुनो, ये तावेल लेकर बाहर सुखा दो। ठीक है। अरे मेरी गुड़िया, क्या कर रही हो तुम? ड्राइंग कर रही हूँ दादू। हमारे स्कूल में योगा दिवस के अवसर पर ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, इसलिए मैं ड्राइंग कर रही हूँ। वाह, तो मुझे भी दिखाओ। देखे सुंदर, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया है गुड़िया। ये एक ऋषि का ड्राइंग है जो वन में तपस्या करते थे। ये चित्र तुम कहां से देखकर बनाए हो ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम एक बात जान लो बेटी, प्राचीन कालों में ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की वहीं से ही योग का शुरुआत हुआ। आजकल के जमाने में हम लोग अपने शरीर के तंदुरुस्ती के लिए योगासन करते हैं। तुम्हारी दादी करती है, मैं करता हूँ, मेरे साथ तुम भी करती हो, है कि नहीं? सुंदर, इस ड्राइंग को कंप्लीट करो, इस पेड़ को कलर करो। आजकल के जमाने में हम लोग अपने शरीर के तंदुरुस्ती के लिए योगासन करते हैं। मैं भी ठीक होने के बाद योगा करने की सोच रही हूँ। जानते हो, योगा करने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ऑफिस जाने से पहले सुबह एक घंटे योगा कर लूंगी और उसके बाद ऑफिस निकल जाऊंगी। अरे वाह। दिशा में अंधेरा है,